नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी सक्रिय होती दिखाई दे रही है। पार्टी के नेता जगह जगह युवाओं से राज्य की समस्याओं की जानकारी हासिल करके चुनावी घोषणा पत्र बनाने का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में पार्टी के वरिष्ठ नेता कर्नल अजय कोठियाल ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने युवाओं से राज्य और स्थानीय स्तर की जन समस्याओं का फीडबैक लिया। मौके पर सबसे ज्यादा समस्या बेरोजगारी को लेकर हो रहे पलायन के सामने आई। अजय कोठियाल के अनुसार जो समस्याएं सामने आ रही हैं, उन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए वो विधानसभा चुनाव में अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे। उनका दावा है कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार उत्तराखंड में आती है तो वो अपने घोषणा पत्र के सभी बिंदुओं पर अमल करेंगे। तो कर्नल अजय कोठियाल ने युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं की समस्या सुनी है और सबसे बड़ी समस्या जो निकल कर सामने आई है वो है पलायन की समस्या। तो उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से पूरे दमखम के साथ जुटी हुई है, युवाओं को कहीं ना कहीं प्रेरित करने की कोशिश कर रही है। एक हमारा देखो, ये ना एक हमारा जो कैंपेन है वो है युवा संवाद। मकसद यह है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, हम युवा से समाज से मिल करके डिस्कशन करके और क्या जो रिक्वायरमेंट होती है, एक तो कॉमन होती है, फिर उसके बाद में क्या समस्याएं होती हैं इलाकों को देखते हुए, उनको समझ रहे हैं। और हमारा जो एजेंडा बनेगा, जो मैनिफेस्टो बनेगा, ये पहली बार एक कोई पार्टी है जो यूथ और समाज से पूछने के बाद में और अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, तो वो मकसद है हमारा। कॉमन सुझाव तो कई थे, लेकिन मुख्यतः यहाँ पे था कि जैसे मान लो यहाँ पे अगर उत्तराखंड में अगर कोई मेडिकल डॉक्टर बनना चाहता है, 4 लाख रुपए उससे लिए जा रहे हैं, तो पहाड़ का आदमी कैसे आएगा वो पैसे देने के लिए। ये एक समस्या आई थी। सर्जिकल स्ट्राइक के लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से हमसे पूछा कि सर्जिकल स्ट्राइक क्या होती है, फौज के बारे में हमसे पूछा। किसी ने हमसे ये बताया कि मैं संतोष ट्रॉफी खेल चुका हूँ, लेकिन आज मेरे को NIS पटियाला में जा करके और वहाँ जा करके सीख करके कोच बनने की कोशिश करनी है। तो उसका ही सुझाव था कि उत्तराखंड में देहरादून में इतनी बड़ी अकेडमी है जहाँ पे कि स्पोर्ट्स को उतना प्रायोरिटी देने की जगह बाकी और चीज़ों को पॉलिटिकल डिस्कशन पे खली के स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो कर दी उन पे वो करा जाता है। मैं प्रैक्टिकल चीज़ें सीख करके आज यहाँ से जा रहा हूँ देवनगरी। राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने तमाम व्यवस्थाओं के बारे में CMS से फीडबैक भी लिया है। मौके पर उन्होंने मरीजों से बातचीत भी की। इस दौरान वैक्सीन लगाने को लेकर आ रही समस्याओं के बारे में स्थानीय लोगों ने राज्यसभा सांसद को अवगत भी कराया। राज्यसभा सांसद ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वैक्सीन लगने के संबंध में जो दिक्कतें पेश आ रही हैं उनका निराकरण किया जाएगा। सरकार ने उत्तराखंड को दिसंबर तक 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा है। ये तभी संभव होगा जब समस्याओं का समाधान भी होगा। मौके पर नगर निगम की महापौर अनिता ममगाई और BJP के तमाम नेता मौजूद रहे। तो वैक्सीनेशन को लेकर आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा। सांसद ने सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया, इस दौरान ये बातें कही है। उनका कहना है कि जो भी समस्याएं वैक्सीनेशन को लेकर आ रही हैं उसका निराकरण जल्द से जल्द किया जाएगा ताकि उत्तराखंड की जनता तक, हर एक व्यक्ति तक वैक्सीनेशन पहुंच सके, सभी को 2 डोज लग सके। तो वैक्सीन को लेकर समस्या आ रही थी और लोग लगातार शिकायतें कर रहे थे, ऐसे में सांसद पहुंचे अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए। अस्पताल का निरीक्षण किया। उत्तरकाशी के बड़कोट में पुलिस ईमानदारी का सबूत शायद नहीं दे पा रही। दरअसल ये मामला बड़कोट का है जहां पुलिस और आमजन के साथ नोकझोंक हो गई। आपको बता दें कि बड़कोट पुलिस वर्दी का ध्वंस दिखा रही थी, साथ ही अपशब्दों का भी इस्तेमाल करती दिख रही थी। वहीं SI की तरफ से पैदल चलने वाले लोगों को भी परेशान किया गया। आखिर बड़कोट पुलिस की कार्यप्रणाली पर आमजन क्यों सवाल उठा रहे हैं? दरअसल आमजन को आवाजाही में दिक्कत दी गई जिसके चलते पुलिस और आमजन दोनों में बहस छिड़ गई है, जिसकी तस्वीरें आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पुलिस और आमजन के बीच बहस की तस्वीरें आप देख सकते हैं। आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में वर्दी का ध्वस भी पुलिस दिखाती हुई नजर आ रही थी, जिसका वीडियो यहां पर बनाया गया है और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। तो उत्तराखंड के बड़कोट की तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर
पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। पुलिस और आम लोगों के बीच बहस होती हुई नजर आ रही है। रूट डायवर्जन को लेकर, आने जाने को लेकर तमाम पाबंदियां लगा रखी हैं, जिसको लेकर लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लगातार उनकी पुलिस से बहस हो रही है। हरदोई में डॉक्टर धन सिंह रावत सहकारिता प्रोटोकॉल, आपदा प्रबंधन और पुनर्वास, उच्च शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्री के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने राजकीय उपमेला चिकित्सालय हरिद्वार में एसडीआरएफ की मदद से लगभग 4,25,00,000 रुपए की लागत से निर्मित आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण किया। डॉक्टर धन सिंह रावत ने इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा है कि 30 दिसंबर 2021 तक पूरे उत्तराखंड में 100% वैक्सीनेशन करना हमारा लक्ष्य है। उनका यह भी कहना है कि अभी तक हम 58,00,000 लोगों को वैक्सीन लगा चुके हैं और उत्तराखंड देश में वैक्सीन लगने में तीसरे नंबर पर है, जिसे हम वैक्सीन लगने के मामले में पहले नंबर पर लगाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि निर्धारित समय अवधि में जो गाँव 100% वैक्सीन लगने में पहले पायदान पर आएंगे, उन्हें हम 3,00,000 रुपए का इनाम भी देंगे। तो 58,00,000 लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। उत्तराखंड की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरिद्वार में आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण किया गया। साथ ही साथ ये कहा गया है कि लक्ष्य रखा गया है कि हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंचे। वहीं जो शहर सबसे अच्छा वैक्सीनेशन करेगा, उनको इनाम के तौर पर 3,00,000 रुपए नकद राशि भी दी जाएगी, ताकि वो और ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार सके। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, आरटीपीसीआर लैब का लोकार्पण यहां पर किया गया है। आरटीपीसीआर लैब के लोकार्पण के दौरान ये कहा गया है कि हरिद्वार में वैक्सीनेशन को लेकर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। लक्ष्य रखा गया है कि हर एक व्यक्ति तक वैक्सीन पहुंच सके, किसी को भी इससे वंचित नहीं रखा जाएगा। साथ ही साथ जो शहर अच्छे से वैक्सीनेशन करेंगे, उनको इनाम भी दिया जाएगा। देखिए, हरिद्वार में जो टेस्टिंग की गड़बड़ियां हुई है, सरकार ने उसकी एक जांच बिठा रखी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है जांच हमारे सामने आ जाएगी। कोई भी दोषी उसमें बख्शा नहीं जाएगा। सर, ये तो सामने आ गया कि जो टेंडर दिया गया था वो गलत तरीके से दिया गया। जांच आने तो हो जाए। प्रदर्शन कर रहे फूड श्रमिक यूनियन आईटीसी के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह ने बताया कि साल 2019 में राज्य सरकार की तरफ से श्रमिकों की न्यूनतम वेज को पुनरीक्षित किया गया था। उसको लेकर कई बार अधिकारियों से शिकायतें की गई, जिसके बाद ईपीएफओ पुरानी दरों पर लागू कर दिया गया, जिसके संबंध में भी कई बार आवाज उठाई गई और शिकायतें भी दर्ज की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। श्रमिकों का कहना है कि अब ईपीएफ की बढ़ी हुई दरों को सिडको स्थित सभी फैक्ट्री प्रबंध लागू नहीं कर रहे, जिसको लेकर भी कई बार शिकायतें की जा चुकी है। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि आज श्रमिकों की तरफ से श्रम विभाग का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। फूड श्रमिक यूनियन आईटीसी का प्रदर्शन देखा जा सकता है। तो श्रम विभाग का पुतला दहन किया गया है और तमाम पोस्टर्स, बैनर्स लेकर जो लोग हैं सड़कों पर नजर आए हैं। वर्ष 2019 में राज्य सरकार, उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम वेज की दरों को पुनरीक्षित किया गया था, लेकिन उस समय आईटीसी प्रबंधन द्वारा जो ईपीएफ की जमा किया गया वो पुरानी दरों पर ही किया गया जुलाई माह तक। हम इसकी शिकायत लगातार श्रम विभाग में की, ईपीएफ विभाग में की, केंद्रीय जो भविष्य निधि आयुक्त है उनसे की, लेकिन उसका आज तक कोई निस्तारण नहीं हुआ है, लगातार 2 साल बीत जाने के बावजूद। दूसरा, जो न्यूनतम वेज पुनरीक्षित हुआ हमारा बड़ा था, उसमें परिशिष्ट दो था जो वो काम से संबंधित था, उसकी शिकायत हमने श्रम विभाग में करी थी कि इसका अनुपालन जो है पूरे शिडकुल मालिक नहीं कर रहे हैं। मजदूरों से उनका जो कार्य कुशलता है उससे अधिक काम लेते हैं और जो तनख्वाह देते हैं वो अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड की तनख्वाह दे रहे हैं। इस पर भी श्रम विभाग द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में 3 मंचलों को सड़क पर आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ना भारी पड़ गया। वहां पर मौजूदा भीड़ ने इन मंचलों की जमकर पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। वही मौके पर पहुंची ज्वालापुर कोतवाली पुलिस 3 मंचलों को पकड़कर अपने साथ ले गई। इस मौके पर काफी भीड़ जमा हो गई। जानकारी के अनुसार 3 मंचले राह पर आती जाती लड़कियों पर अश्लील कमेंट करते थे और अश्लील इशारे भी करते थे, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी जमकर पिटाई कर दी और उन्हें सबक सिखाया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 3 मंचलों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरेराहा लड़की छेड़ना तीन मंचलों को भारी पड़ गया है। दरअसल भीड़ ने तीनों मंचलों की जमकर धुनाई कर दी, जिसके बाद पुलिस के उन्हें हवाले कर दिया गया है। पुलिस उन्हें थाने ले आई है, उनसे पूछताछ भी लगातार की जा रही है। शिकायत मिली थी कि लगातार ये मंचले लड़कियों से छेड़छाड़ किया करते थे, अश्लील कमेंट किया करते थे। ऐसे में अब ये पकड़े गए हैं, इनकी जमकर धुनाई की गई है, साथ ही साथ इन्हें पुलिस के हवाले भी कर दिया गया है। हरिद्वार के ज्वालापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इन दिनों उत्तराखंड में लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर मैदानी, लगातार हो रही बारिश अपना कहर दिखा रही है। हरिद्वार की विधानसभा ज्वालापुर में बारिश के बाद क्षेत्रीय विधायक सुरेश राठौर ने अपनी विधानसभा का प्रशासनिक अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसमें विधायक ने अपनी विधानसभा में पड़ने वाले दर्जनों गाँव के लोगों का हालचाल जाना और बारिश के कारण जहां जहां क्षति हुई है उन किसानों से भी मिले हैं, जल्द ही उनकी भरपाई की करने का आश्वासन भी दिया है। लगातार हो रही बारिश के चलते सामान्य जनजीवन प्रभावित लगा है, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में बारिश के बाद जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने के कारण जल भराव की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में विधायक ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं कि वो जल्द ही ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करें। तस्वीरें आप देख रहे हैं ज्वालापुर की, जहां पर विधायक ने अपने इलाके में पड़ने वाले गांवों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई जगह पर बारिश की वजह से क्षति हुई है, कई किसानों की फसलें खराब हुई हैं, ऐसे में उन्हें मुआवजा देने की भी बात यहां पर की जा रही है। साथ ही साथ जिन लोगों की आशियाने खराब हुए हैं इस बरसात के मौसम में, उनसे भी हालचाल जाना है। तो अधिकारियों को भी तमाम दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जल्द ही कार्रवाई होनी चाहिए और इनको इनका मुआवजा मिलना चाहिए। बाढ़ के कारण से जो जो हानि हुई थी उसका सर्वे आज हमने लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उनके अधिशासी अभियंता, कृषि के लोग और राजस्व के लोग, लेखपालगण, राजस्व के अधिकारी और जो अन्य अधिकारी गण थे उनको लाकर मौका मुआयना कराया। जहां जहां क्षति हुई थी विधानसभा ज्वालापुर में, उसको पूर्ति के लिए हमने तत्काल कहा कि जो राहत राशि देनी है किसानों को वो मुहैया करा दें, और जहां जहां सड़कें टूटी हैं, पुल टूटे हैं, रास्ते अवरुद्ध हैं, उनको खोला जाए और निर्माण उनका करा जाए। जिस स्थान पर खड़े हैं, हमने 45 करोड़ की लागत से यहां पर पुल की स्वीकृति के लिए दे रखा, तकनीकी छोटी मोटी कमियों के बाद उसको मैं समझता हूँ जल्दी यहाँ शुभारम्भ कर दिया जाएगा और बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आजादी के बाद हम टांडासनगढ़ के लिए, गांजा से लेकर टांडासनगढ़ के लिए 4 किलोमीटर की सड़क और एक बहुत बड़ा पुल दे रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। विधायक जी, रास्ते बिल्कुल ही खराब हो रखे हैं, कुछ देखने में देखिए आपदा है, आपदा के कारण से हम लोग मैदान की दृष्टि में कह सकते हैं कि रास्ते बहुत खराब है, जहाँ पहाड़ के ऊपर बड़ी बड़ी त्रासदी हो जाती है तो वो भी झेलते हैं। आपदा को सब लोग धीरे धीरे दूर हो जाता है, बारिश के कारण जो नुकसान हुआ उसकी हम भरपाई करवाएंगे। ऋषिकेश के बाद अब नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में भी चेन स्नेचिंग करने वाली महिलाओं का गिरोह सक्रिय हो गया है, जो पलक झपकते ही महिलाओं के गले से चेन साफ कर देती हैं। यही नहीं, बैग में रखे पर्स निकालने में भी महिलाएं माहिर हैं। लक्ष्मण झूला थाना पुलिस ने ऐसी ही एक युवती सहित 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। महिलाओं पर हरियाणा निवासी एक बुजुर्ग महिला के गले से चेन साफ करने का आरोप है। हालांकि महिलाओं से पुलिस चेन बरामद नहीं कर सकी। पुलिस ने आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने उनको कारागार में भेज दिया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऋषिकेश में भी पर्स चोरी करने के आरोप में 3 महिलाओं को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने शहरवासियों से संदिग्ध दिखाई देने वाली महिलाओं के बारे में तुरंत जानकारी करीबी पुलिस थाने को देने की अपील की है। तो लगातार चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। लक्ष्मण झूला की तरफ भी ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। फिलहाल इस महिला गिरोह को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेज दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज की मदद से 4 महिलाओं को आइडेंटिफाई किया, जो पीड़ित को घेर के उसके चेन निकाल रही थी तथा चेन उन्होंने दूसरे को दे करके वहाँ से चोरी कर लूट कर ली थी। तो इस पर एक मुकदमा पंजीकृत करके 4 महिलाओं को जेल भेजा गया है तथा इस प्रकार की घटनाएं आगे भविष्य में ना बढ़े, इसके लिए पुलिस प्रशासन द्वारा वहाँ पर 1 सब इंस्पेक्टर और 10 कॉन्स्टेबल्स को अतिरिक्त फोर्स लगाई।
अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार ने लालकुआ विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और जिला अध्यक्ष इंद्रपाल आले को कांग्रेस एससी विभाग का नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा प्रभारी नियुक्त किया है। इधर इंद्रपाल आले ने प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह, एससी विभाग के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार सहित केंद्रीय श्रेष्ठ नेतृत्व का आभार जताया है। इधर नई जिम्मेदारी पर इंद्रपाल आले ने कहा कि आने वाले चुनाव में एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे और आने वाले चुनाव में जनता की आवाज बनकर कांग्रेस को सत्ता पर पहुंचाना है। श्रेष्ठ नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका ईमानदारी से निर्वहन करेंगे और संगठन की मजबूती के लिए काम करते हुए जनता के बीच समन्वय स्थापित कर पार्टी के कार्यकर्ताओं और जनता के साथ मिलकर चुनाव में ईमानदारी से काम करने को लेकर रणनीति भी बनाएंगे। जो हमारी कांग्रेस की नीति है उस नीति को हर जनता तक पहुंचाने का मेरा कार्य रहेगा और 2022 हमारा मिशन है। जो आज इस सरकार में बढ़ती महंगाई को देखते हुए जो आज हमने बुद्ध पार्क में अभी धरना प्रदर्शन करा, बुग्गी चलाई ताकि इस सरकार को जताने का प्रयास करा कि आज हम लोग गाड़ी में छोड़ करके बुग्गी चलाने पड़ रही है, गाड़ी चलाने पड़, बैलगाड़ी तक निकालने का हम तैयार हो गए हैं, ट्रैक्टर खींचना पड़ रहा है और डीजल पेट्रोल और गैस है ये दाम बढ़ा दिए हैं और महिला सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार बहुत ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल इन लोगों इस प्रदेश से क्या देश से जाना तय है। लालकुआ में इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित होने से पहले शिक्षा विभाग पूरी तरह से तैयार नजर आया है। जहां राजकीय इंटर कॉलेज लालकुआ में इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली गईं। कॉलेज के प्रधानाचार्य और बोर्ड प्रभारी ने बताया कि इंटर हाई स्कूल रिजल्ट घोषित हो रहे हैं जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। उनका कहना है कि स्कूल में 300 से ज्यादा छात्र हैं, मात्र 10 से 12 दिन में शिक्षा विभाग की तरफ से इतनी बड़ी तैयारी करना काबिले तारीफ है। साथ ही उन्होंने सभी बच्चों के भविष्य की उज्जवल कामना की है। हमारे यहाँ हाई स्कूल और इंटर में 300 से भी अधिक छात्र संख्या है और बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए भी अच्छा परिश्रम किया और उनके परिश्रम का फल आज मिलने का समय आ गया है और हमें आशा है कि हमारा परीक्षा फल अच्छा रहेगा। आने वाले बच्चों को भी हमारा यही संदेश है कि बच्चे अपने करियर के लिए आगे बढ़ने के लिए अच्छा प्रयास करें, अपने अध्ययन में लगातार लगे रहें, ऐसी हम उनसे आशा करेंगे। विषय है क्योंकि हमारे 17 तारीख को मूल्यांकन पूरा हुआ है और इतने कम दिनों में कहता है 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट घोषित करना, इसके लिए कहता है हमारा उत्तराखंड विद्यालय परिषद जो है बहुत ही बधाई का पात्र है और सारे विभाग ने पूरा काम करने का रहा है कि हम लोग 10 दिन के अंदर रिजल्ट तैयार करके दे दे रहे हैं और सभी बच्चों को अग्रिम बधाई देते हैं हम कि सभी अच्छे नंबर से पास हों और आगे कहता है पढ़ाई के लिए कहता है उनका भी है 10th वालों के लिए आगे 11th का रास्ता खुलेगा। इसके अलावा कहता है जिन बच्चों को 12th होना है उन वो बच्चे आगे इंस्टीट्यूट में जा करके आगे डिग्री की पढ़ाई या इंजीनियरिंग आदि की पढ़ाई करके करेंगे। बच्चों के लिए बहुत ही खुशखबरी है कि उनका रिजल्ट यह है बहुत कम समय में घोषित कर दिया गया। हाँ कहता है जो बच्चे थे 303 बच्चे थे कहता है हाई स्कूल में और 303 ही थे इंटर में, कुल मिला के 606 बच्चे हमारे विद्यालय में पंजीकृत हैं जिनका आज रिजल्ट आना है। पौड़ी गढ़वाल की तहसील चौबट्टा खाल में नौगवा खाल बाजार में सरकारी शराब की दुकान में शराब को सरकारी रेट से ज्यादा मूल्य पर धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य अजय सिंह का कहना है कि काफी लंबे समय से शराब की दुकान में ओवर रेटिंग का खेल चल रहा है। हमारे द्वारा कई बार वाइन शॉप मालिकों को इस बारे में बताया गया, फिर भी वो अपनी मनमानी करने में व्यस्त रहे और धड़ल्ले से बिना किसी प्रशासन के डर से ओवर रेट पर शराब बेच रहे हैं। वहीं जिला आबकारी अधिकारी राजेंद्र लाल का कहना है कि वाइन शॉप का और वाइन शॉप के अनुज्ञापी के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की जाएगी। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर बाइक सवार दंपत्ति को रोडवेज बस ने जोरदार टक्कर मार दी। वहीं टक्कर से महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, वहीं महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद दंपत्ति के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया है।
बिजनौर में सीबीएसई की तरफ से घोषित सत्र 2020-21 की क्लास 12वीं के परीक्षा परिणाम में बिजनौर पब्लिक स्कूल का रिजल्ट 100% रहा। अपने परीक्षा रिजल्ट को पाकर छात्रों में खुशी की लहर दौड़ गई। छात्र छात्राओं ने मिठाई खिलाकर एक दूसरे को कामयाबी की बुलंदी तक पहुंचने की बधाई दी। इस बार कोरोना महामारी के बढ़ते मामलों के चलते 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी गई थी। 12वीं क्लास के छात्रों का मूल्यांकन 10वीं 11वीं क्लास में मिले नंबर और प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर किया गया है। जैसा कि सभी को मालूम है कि आज सीबीएसई का 12th क्लास का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। इसमें हमारे यहाँ 90 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जिसमें से 21 स्टूडेंट्स ने हमारे 90 प्लस में मार्क्स सिक्योर किए हैं। इनमें से 11 बच्चे ऐसे हैं जिनके मार्क्स 95 प्लस में हैं। हमारे स्कूल की जो टॉपर रही है अवंतिका राणा, उसके 98.2% मार्क्स रहे हैं। सेकेंड टॉपर वंशिका सिंह, 97.6% मार्क्स रहे हैं। थर्ड कनीषा सिंह, जिसके 97.4 मार्क्स रहे हैं। मैं इन सभी बच्चों के अभिभावकों को और अपने छात्रों को बधाई देता हूं इतने अच्छे रिजल्ट को सिक्योर करने के लिए। इसके साथ साथ मैं अपने मैनेजमेंट मेंबर को भी बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट मेंबर ने पूरी तरह से हमारे को एकेडमिक में सहयोग दिया है। इटावा में लगातार चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। चोर इतने बेखौफ हो गए हैं कि उन्हें पुलिस प्रशासन का कोई डर ही नहीं रह गया। अब तो चोर पुलिस को चुनौती देते हुए चोरी को अंजाम दे रहे हैं। वहीं पुलिस भी इन चोरों पर लगाम लगाने में असफल साबित हो रही है। ताजा मामला इटावा के एकदिल थाना क्षेत्र का है, जहां पर पुलिस को खुली चुनौती देकर चोर थाने के सामने खड़ी इको गाड़ी लेकर फरार हो गए। वहीं चोर अपनी चोरी को अंजाम देते हुए सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गए हैं। पुलिस अब सीसीटीवी की मदद से चोरों की तलाश में जुट गई है। बिजनौर में इन दिनों पहाड़ों और मैदानी इलाकों में मूसलाधार बारिश से जहां लोगों का जीना मुहाल है, तो वहीं गंगा के कटान से खून पसीने की मेहनत की कमाई से लहराती गन्ने और धान की फसल गंगा कटान की वजह से गंगा में धराशायी होती साफ तौर पर नजर आ रही है। मूसलाधार बारिश की वजह से इन दिनों किसानों की जमीन की तैयार गन्ना धान और पशुओं के चारे की फसल लगातार गंगा के कटान में समा रही है, जिसकी वजह से किसान बेहद परेशान है। बिजनौर से सटे कोहरापुर के जंगलों में दर्जन भर से ज्यादा किसानों की गंगा किनारे सैकड़ों बीघा लहराती फसल रोजाना गंगा कटान की वजह से गंगा में तबाह हो रही है। गंगा किनारे जान जोखिम में डालकर महिलाएं और युवक अपनी खड़ी फसलों को तेजी से काट रहे हैं, वो भी महज इसलिए कि पशुओं को हरा चारा मिल सके। गंगा के कटान से ग्रामीणों के चेहरे मुरझाए हुए नजर आ रहे हैं। हर साल गंगा कटान करती है, गन्ना फसल बह जाती है, चारा बह जाता है और लगातार गांव का खतरा बढ़ रहा है। और प्रशासन आता है बाढ़ के टाइम पे, बोल देते हैं ये इसका कुछ करेंगे, पानी उतरने के बाद कोई सुनवाई नहीं होती, ना आज तक किसी को मुआवजा मिला है ज़मीन का, फसल का, किसी चीज़ का यहाँ कोई समाधान नहीं है। इस टाइम स्थिति इतनी भयंकर बनी हुई है कि लोग अपने निहार से और फसल से खाने पीने का सिस्टम सब बह चुका है, गंगा जी में कटान हो चुका है। हमसे प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि इसका मुआवजा दिलाएं, जमीन कटान का और फसलों का। मथुरा स्थित गोकुल पास बनी सीढ़ियों पर नहाने के लिए चार बच्चे उतरे, अचानक चारों पानी के तेज बहाव के चलते डूबने लगे। इसे देख वहां मौजूद तमाम किशोरों ने शोर मचाया, तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और पुलिस को सूचना दी। गोताखोरों की मदद से तलाशी कराई गई, जिसमें 12 साल का प्रमोद को सकुशल ग्रामीण और गोताखोरों की मदद से बचा लिया गया, जबकि उसके दो साथी का शव सुबह गोताखोरों ने यमुना नदी से बरामद किया। वहीं परिजनों को जब इसकी सूचना लगी तो परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया। दूसरे किशोर कौशल की तलाश अब भी जारी है। ये नहाते नहाते बच्चे आगे चार नहाते डूब गए, चारों डूब गए, एक बच्चा तो बचा लिया उसने। बच्चा मिल गया आपका? एक बच्चा हमारा नहीं, दूसरे पड़ोसी का मिल गया। और आपका? भाई का मिल गया, मेरा बच्चा डूब गया, डेट हो गई उसमें। कल चोटी में था, मुझे कुछ समय पता नहीं चला था। जब मैं शाम को आया था तो मेरे को पता मोहल्ले में पता चला, मेरा मोबाइल स्विच ऑफ था, तो मोहल्ले में पता चला था कि तुम्हारे बच्चे जमुना पे नहा रहे और डूब गए। पता नहीं, कल ही से परेशान हूँ। और दूसरी बात के परेशान इसलिए कि प्रशासन मतलब कोई आ नहीं पाया, सब आए थे और बाद में 9 बजे 10 बजे 11 बजे पीएस की गाड़ी भी आई थी।
मथुरा के गोवर्धन में कल बसपा का प्रबुद्ध संगोष्ठी ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया गया। वहीं सम्मेलन में सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित कर किया। ये सम्मेलन गोवर्धन के गिरिवर निकुंज में आयोजित किया गया था। वहीं ये एक तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव के पहले ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने की कोशिश है। इसी के साथ इस संगोष्ठी में राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा, पूर्व मंत्री नकुल दुबे सहित कई ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। बसपा नेता और तमाम कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी में जुटे हुए नजर आए हैं। तो बसपा का प्रबुद्ध संगोष्ठी सम्मेलन सतीश मिश्रा ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए नजर आए थे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।